इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे थे सर्विस सेक्टर, टर्शरी एक्टिविटीज या फिर सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में हमने टर्शरी सेक्टर को देखा, क्वार्टरनरी सेक्टर को देखा, जितने भी लोग सर्विसेज देते हैं, जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी लोग फैक्ट्रीज में या फिर फील्ड्स के ऊपर जाकर के कुछ प्रोड्यूस तो नहीं करते हैं, बल्कि वो अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी को, कंट्री को कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विस देने वाले लोगों में जो सबसे टॉप की जो लेयर होती है, यानी सर्विस सेक्टर के सबसे सीनियरिटी वाले पॉइंट के ऊपर, सबसे टॉप पे, सबसे एपेक्स के ऊपर जो लोग बैठे हैं, उनको क्विनरी एक्टिविटीज या फिर क्विनरी सेक्टर के लोग बोला जाता है। बुक में क्या लिखा है हमारी में, द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स परफॉर्म क्विनरी एक्टिविटीज। किसी भी कंट्री में, किसी भी फर्म में, किसी भी जगह पर, इवन हमारी अर्थ के ऊपर, जो लोग पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, जो लोग डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, उन लोगों को क्विनरी सेक्टर में हम शामिल करते हैं। आगे इसमें लिखा है, क्विनरी एक्टिविटीज आर सर्विसेज दैट फोकस ऑन द क्रिएशन, रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज। देखो, पहले से ही बनी हुई चीजों के ऊपर ये लोग काम नहीं करते हैं। जो भी लोग क्विनरी सेक्टर में शामिल हैं, वो रिसर्च करते हैं, नई नई चीजों को वो इनोवेट करेंगे, नई नई चीजों को वो इन्वेंट करेंगे, नई पॉलिसीज को बनाएंगे, नए आइडियाज को बनाएंगे, ठीक है, नए डिसीजंस को बनाएंगे। इस तरह से वो दुनिया को लीड करते हैं। आगे समझ, उनके द्वारा बनाई हुई पॉलिसीज पर जो दुनिया है वो उनको फॉलो करती है। तो इस टाइप के हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पीपल को हम क्विनरी एक्टिविटीज में शामिल करते हैं। इस पे लिखा है वो क्या करते हैं, आइडियाज को क्रिएट करते हैं, पॉलिसीज को क्रिएट करते हैं, उसके बाद बनी हुई चीजों को रीअरेंज करते हैं, और साथ साथ में फिर पहले से ही एडेड इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके उनमें से नई नई चीजों को निकालने की जो ड्यूटी है वो इन लोगों की है। ठीक है, इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड द यूज ऑफ एंड इवेल्युएशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजी की हेल्प से नई चीजों को इनोवेट करना, नए आइडियाज को कॉइन करना, ये इनका काम रहता है। ऑफन रेफर टू एज गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स। ध्यान देना, इनको गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स बोला जाता है। कलर के बेसिस के ऊपर जॉब्स या फिर सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो उस कैटेगरी में जो सबसे हाईएस्ट रैंक की जॉब्स होती हैं, उनको गोल्ड कॉलर जॉब्स बोला जाता है। आने वाले एपिसोड में सिर्फ कलर के बेसिस पर नेचर ऑफ द वर्क को, इस पूरी इंफॉर्मेशन को एक डेडिकेटेड लेक्चर के रूप में आपके सामने लेकर के आऊंगा। फिलहाल आप यहां पर इतना याद रखो कि गोल्ड कॉलर जॉब्स क्विनरी एक्टिविटीज के लोगों के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। गोल्ड, सोने के रंग के जो कॉलर होते हैं ना, वो उन लोगों के होते हैं जो क्विनरी एक्टिविटीज के अंदर, जो क्विनरी सेक्टर में शामिल होते हैं। ऑफन रेफर टू एज गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स, दे रिप्रेजेंट अनदर सब डिविजन ऑफ द टर्शरी सेक्टर, रिप्रेजेंटिंग स्पेशल एंड हाईली पेड स्किल्स ऑफ सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिसर्च साइंटिस्ट्स, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट्स। देयर इंपॉर्टेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ एडवांस्ड इकोनॉमीज फॉर आउटवेट्स देयर नंबर्स। देखिए, नंबर में, क्वांटिटी में या संख्या में ये लोग सबसे कम होते हैं। टर्शरी सेक्टर की अगर बात करें तो सबसे कम जो लोग हैं वो आपको कहां पर मिलेंगे, क्विंटरी एक्टिविटीज में, क्योंकि ये सबसे टॉप पर बैठे हुए लोग हैं किसी भी कंट्री की। जैसे हमारे इंडिया की बात कर लो, इंडिया की पॉपुलेशन 1.5 बिलियन के आसपास है। तो 1.5 बिलियन लोगों के ऊपर हमारी गवर्नमेंट में कितने लोग बैठे होते हैं, सिर्फ 400 से लेकर के 500 लोग जो हैं वो पूरी कंट्री के लिए डिसीजंस बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, लॉज को फ्रेम करते हैं। तो ये लॉ फ्रेमिंग का काम जो है वो पूरी कंट्री में सिर्फ 500-600 लोग मिलकर के करते हैं। तो बात समझ आ रही है कि क्विनरी एक्टिविटीज में जो लोग शामिल होते हैं, उनकी संख्या, उनकी काउंटिंग बहुत कम रहती है, बट जो उनका काम है वो बाकी जो सेक्टर्स हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है। समझ आ गई। इन लोगों की जो जॉब्स होती हैं, इनकी जो पोजीशंस होती हैं, वो इतनी हाई होती हैं कि यहाँ पर हर किसी का पहुंच पाना इम्पॉसिबल होता है या फिर बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इस
पोजीशन पर इस सेक्टर के ऊपर बहुत कम लोग पहुंचते हैं, बहुत कम लोग वहां बैठते हैं, बट वहां पर बैठ करके वो जो काम करते हैं वो पूरी दुनिया के काम या फिर पूरी कंट्री के काम में वो काम, उनके डिसीजंस, उनकी पॉलिसीज आती हैं। समझ गए मेरी बात को? तो इस लेक्चर में, इस चैप्टर में हमने क्या किया है, टर्शियरी एक्टिविटीज में ज्यादा लोग होते हैं, क्वार्टनरी में थोड़े कम हो जाते हैं, और क्वीनरी में बिल्कुल कम हो जाते हैं, बट इनके काम की जो क्वालिटी है वो बढ़ती चली जाती है विद द इंक्रीज इन देयर लेवल ऑफ द वर्क्स। देखो बुक के ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है, इस पे एक सीढ़ी बनी हुई है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी एंड क्विनरी। जितने भी लोग काम करते हैं, पैसा कमाने का जो जॉब्स होती हैं, इनमें सबसे टॉप पर कौन लोग बैठते हैं? क्विनरी एक्टिविटीज वाले लोग। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, क्विनरी एक्टिविटीज। आने वाले एपिसोड में आपको एक सिंगल टर्म समझाऊंगा, वट इज आउटसोर्सिंग। तो अगले ही एपिसोड में बात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।